हेलो दोस्तों, और स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर इस सीरीज़ में जिसका नाम है एबल्टन फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस। और इस सीरीज़ का ये 8th ट्यूटोरियल है। इससे पहले मैं 7 एपिसोड्स पब्लिश कर चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं देखे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी के वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं ताकि आप सिंक में रहें। और आई थिंक इकलौता चैनल जो कि आपको म्यूज़िक प्रोडक्शन बता रहा है शुरू से लेकर लास्ट तक इन ए सीक्वेंस यूजिंग एबल्टन लाइव। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल में। मैं बात करने वाला हूँ बसिंग के बारे में। बसिंग या बसेस दूसरे डॉज में उसको बोलते हैं, एबल्टन के अंदर उसको हम ग्रुपिंग बोलते हैं। नाउ ये कंसेप्ट क्यों आया, क्यों, क्या इसकी ज़रूरत है, क्या इसके फ़ायदे हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बसिंग जैसा उसका नाम है, बसिंग मतलब तीन या चार या और उससे ज़्यादा जो ट्रैक हैं उनको हम एक क्या कहते हैं, एक ग्रुप के अंदर जो है उनको ज्वाइन करवा देते हैं। और उससे होता क्या है कि सारे जो ट्रैक्स हैं वो एक एक साथ इकट्ठे होकर आप अगर कोई इफेक्ट्स लगाना चाहते हैं तो आप एक ग्रुप के ऊपर लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू इंडिविजुअल ट्रैक्स। इसका फ़ायदा जो होगा वो ये होता है कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास 50 ट्रैक हैं एक सॉन्ग में, और अगर आप इंडिविजुअल ट्रैक्स के ऊपर जाकर रिवर्ब, EQ, कंप्रेसर एंड ऑल अदर इफेक्ट्स जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगाएंगे, तो आपके जो कंप्यूटर की हालत है वो एकदम खस्ता हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, CPU, मेमोरी एंड ऑल दैट। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि ग्रुप कर देते हैं और हम ग्रुप के ऊपर जो है वो सारे इफेक्ट्स लगाते हैं। तो इस चीज़ को हम बसिंग भी बोलते हैं, ग्रुपिंग भी बोलते हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं बट कंसेप्ट सेम ही है। नाउ ग्रुपिंग करने के लिए सबसे पहले हम एबल्टन के अंदर जाएंगे और एक ट्रैक को हमने सेलेक्ट किया। नाउ लास्ट ट्रैक मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ तक, और उसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगा ग्रुप ट्रैक्स, या फिर आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पर तो ग्रुप हो जाएगा। इसको एक डिफरेंट कलर दे लेते हैं टू आइडेंटिफाई, ये वाला, ठीक है। तो ये मेरा एक ग्रुप बन गया, आप देख सकते हैं ऊपर नाम भी इसका आ गया, वन ग्रुप। नाउ मैं क्या करूँगा, इस ग्रुप के ऊपर जाऊँगा और मुझे लेट्स से कि कंप्रेसर लगाना है तो मैं, या फिर मुझे EQ लगाना है, EQ8 लेट्स से कि मैंने EQ यहाँ पे लगा दिया, और इतना मैंने कुछ भी करना हो, मतलब दिस इज़ जस्ट फॉर द ट्यूटोरियल। तो मैंने अब यहाँ से मैं तो सारे इफेक्ट्स मैं यहाँ पर लगाऊंगा और बहुत सारे जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो बच जाएंगे। प्लस इसका फ़ायदा है कि अगर आपने एक ही तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे कि बेस के आपने 3 लेयर्स बनाई हैं, किक के आपने 2 लेयर्स बनाई हैं, मेलेडी के आपने 5 लेयर्स बनाई हैं, तो सबको अलग अलग ग्रुप में रखिए, सबके ऊपर इफेक्ट्स जाके लगाइए ऐसे ग्रुपिंग के अंदर, तो आप साउंड को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने अगर इंडिविजुअल ट्रैक्स पर ये चीज़ लगाई होती तो आप साउंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, मतलब रिवर्ब कहीं जा रही होती है, डिले कहीं जा रहा होता है ना, ऑल दैट। और एक चीज़ हम कर सकते हैं कि जब आपने ग्रुप एक बना दिया, आप इसके अंदर फर्दर ग्रुप्स भी बना सकते हैं, ये सिर्फ एबल्टन के अंदर ही होता है। तो लेट्स से कि मुझे बेस एंड किक का जो है एक अलग ग्रुप बनाना है इस ग्रुप पेरेंट ग्रुप के अंदर, तो ये मेरा ग्रुप वन था, राइट क्लिक किया, ये देखिए मेरा ग्रुप टू बन गया नाउ, ठीक है। ग्रुप टू को हमने एक डिफरेंट कलर दे दिया। तो अब इस ग्रुप के ऊपर मेरे कुछ अलग इफेक्ट लगे हुए थे, ग्रुप टू के ऊपर भी जाके मैं कुछ अलग इफेक्ट्स लगा सकता हूँ। तो ऐसे फर्दर मैं मल्टीपल ग्रुप्स इनसाइड द ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ। तो फ़ायदा वही है कि आप कंट्रोल साउंड चाहते हैं अपने जो प्रोजेक्ट है आपका उसको आप मोर ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं। अगर आपको अनग्रुप करना है तो सिंपली आप ग्रुप के ऊपर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और अनग्रुप क्लिक करेंगे तो ये सारे अनग्रुप होंगे। तो आप देखिए हम पहली वाली सिचुएशन में आ गए जैसा कि था। इसका एक फ़ायदा और है कि लेट्स से कि आपने 50 ट्रैक लगा दिए या 30 ट्रैक लगा लिए और आपको एक सिंगल आउटपुट चाहिए उसका, ठीक है। तो नाम आप देखेंगे कि हर ट्रैक का जो आउटपुट है वो मास्टर के अंदर जा रहा है। मैंने इन तीनों को सेलेक्ट किया, एक ग्रुप क्रिएट किया, अब ये ग्रुप वन बन गया। अब नाउ इसके ऊपर मैं जो इफेक्ट लगाऊंगा ऑफ कोर्स वो सबको कंट्रोल तो करेगा ही, प्लस इस ग्रुप का जो आउटपुट है वो देखिए मास्टर में जा रहा है, मतलब इन तीनों साउंड्स का जो ग्रुप है वो यहाँ से कंट्रोल हो सकता है। ग्रुपिंग का एक और फ़ायदा होता है कि लेट्स से कि आपके पास ये तीनों ट्रैक्स हैं और आप इनका आउटपुट जो है वो किसी एक ट्रैक के अंदर रिकॉर्ड करना चाहते हैं। फर्ज़ कीजिए आपके पास एबल्टन लाइव का लाइट वर्जन है और वहाँ पर सिर्फ 8 ट्रैक्स की लिमिटेशन है, तो आप बहुत सारे ट्रैक्स को इस वे में यूज़ कर सकते हैं कि आपने कुछ ट्रैक्स का ग्रुप बना लिया, आपने उसका आउटपुट जो है वो एक के अंदर ले लिया, देन इस तरह से आपने मल्टीपल ग्रुप्स बनाए और मतलब 8 ट्रैक्स की जो लिमिट है वो उसको आप और एक्सटेंड कर सकते हैं, कहने का मतलब है। आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक नया ऑडियो ट्रैक ऐड करूँगा, लेट्स से इसको मैं कहूँगा कि सॉन्ग है इसका नाम, ठीक है। नाउ इसका जो आउटपुट है, आप देखिए आप इसका जो आउटपुट है वो मास्टर में जा रहा है, मैं इसको मास्टर में ना देके मैं कहता हूँ कि इसको सॉन्ग के अंदर जाना, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो टोटल ग्रुप का जो आउटपुट है सॉन्ग के अंदर आएगा और इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ से, इसके ऊपर इसको रिकॉर्ड आरम्भ करके। तो इसको मैं चलिए रिकॉर्ड कर लेता हूँ यहाँ से,
तो आप देखेंगे कि ये तीनों ट्रैक्स मेरे एक ट्रैक के अंदर रिकॉर्ड हो गए। इसको अगर मैं प्ले करता हूँ सोलो करके, ठीक है, तो ये इस तरह से आप जो है, अब अगर आप इसको रिकॉर्ड ना करके, लेट्स से कि आप इसके ऊपर रिवर्ब रखना चाहते थे या डिले रखना चाहते थे, देन यू वांट टू कंट्रोल इट थ्रू सम ऑटोमेशन, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते थे। पर कहने का मतलब ये है कि ग्रुपिंग का जो कंसेप्ट है बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आई थिंक इससे ज़्यादा मैं एलाबोरेट नहीं कर पाऊँगा इसको, पर मकसद यही है कि आप मोर कंट्रोल साउंड चाहते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं, एंड देन उसके बाद मास्टर में डायरेक्ट आउटपुट ना देके आप एक प्री मास्टर यहाँ पर बना सकते हैं। प्री मास्टर को आप जो है वो फिल्टर कीजिए, उसकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं जहाँ पर जो चाहिए वो रखिए, जो नहीं चाहिए वो मत रखिए, एंड देन उसके बाद उसको मास्टर के ऊपर लेके जाइए, उसको आप एक्सपोर्ट करेंगे, तो आई थिंक आपका जो सॉन्ग है वो बहुत ही फैंटास्टिक टाइप का मतलब निकल के आता आउटपुट। मैं नॉर्मली यही वाला कंसेप्ट यूज़ करता हूँ कि मैं डायरेक्ट मास्टर में आउटपुट नहीं देता कभी भी। आई क्रिएट ए प्री मास्टर ट्रैक और उसके अंदर आउटपुट से मैं सारी चीज़ें जो है उस तरह से करता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।